साहब के हाथ से जब से सत्ता गई है तब से पीटी गई है और इनको हर जगह पिटता हुआ ही नजर आता है। काफी संख्या में लोग पहले से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, विश्वास लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है। हम काम करते हैं, लोगों को काम की संतुष्टि होनी चाहिए, जिसके लिए हम पूरा प्रयत्न करते हैं। कहते भी हैं, टेलीफोन भी करते हैं, फॉलोअप भी करते हैं। ऐसा एक बोर्ड भी लगाया गया है कि कोई झूठी शिकायत जो है देखा। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि इसका कोई नजायज़ फायदा उठा के कोई झूठी दरखास्त ना किसी की करके तो वो पता तो लग जाता बाद में, लेकिन परेशानी तो होती है ना, तो इसलिए उनको ये पता रहे कि अगर कोई झूठी दरखास्त देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मिश्रा हुड्डा साहब ने कहा है कि सब्जी जो है पिट चुकी है किसानों की, अब जो है 2024 के चुनाव में बीजेपी के पिटने की तैयारी है, ये पिट जाएंगे चुनाव में। क्या कहा, क्या कह रहे जी? सब आलू की सब्जी पिट गई है और जो सब्जी थी वो भी पिट गई है, अब 2024 में बीजेपी पिट जाएगी। ऐसा है, हुड्डा साहब के हाथ से जब से सत्ता गई है तब से पिटी गई है और इनको हर जगह पिटता हुआ ही नजर आता। वीरेंद्र सिंह डुमर खाना ने अपना बयान दिया है कि बीजेपी को अगले चुनाव में किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने अपने आप को मजबूत कर लिया है। नहीं देखिए, बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस प्रकार के फैसले हम सब मिलकर लेते हैं, हमारी हाईकमांड लेती है, ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार के फैसले अनाउंस करने का अधिकार नहीं। सब H3N2 के वायरस के जो मामले हैं वो कई रिपोर्ट हुए हैं, जींद में भी एक मामला ऐसा है कि डेथ की बताई जा रही, तो स्वास्थ्य विभाग अब कितना अलर्ट और ज़्यादा करना पड़ेगा? पहले देखिए, कोई डेथ नहीं हुई है, ये टोटल हरियाणा में अब तक 10 केस रिपोर्ट हुए। जींद में जिसकी डेथ हुई है वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट किया गया था, लेकिन उसको लंग्स का कैंसर भी था, उसका ट्रीटमेंट कैंसर का हो रहा था, तो मैंने इसका पता लगाया है, तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि इससे इस वायरस से डेथ हो जाए, अभी हम उसका पता कर रहे हैं। हाँ जी, गाइडलाइंस रहेंगी कोई? सर, गाइडलाइंस हमने जारी की हुई है, पहले भी की हुई है, दोबारा फिर हम करने के लिए कह रहे हैं, और इसका सबसे बड़ी गाइडेंस यही है कि एहतियात बरतें और हाथ मत मिलाएं किसी के साथ, और बार बार पानी से हाथ धोते रहें और पानी भी जरूरत। लोगों से भी अपील रहेगी सर, पाबंदियाँ ना बढ़ानी पड़ेगी, वो गाइडलाइंस लोगों से अपील रहेगी कि हाँ नहीं, लोगों को खुद इसका संज्ञान लेते हुए खुद इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सब सरपंचों की सीएम के साथ बेनतीजे रही बैठक, 17 को विधानसभा चुनाव की बात की जा रही है, अब क्या बातचीत हुई है अभी इसका हमें मालूम नहीं है, उचित मालूम होगी तो पता लगेगा अभी कौन किस स्तर पे रुका हुआ है।